हेलो वो दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे करियर भाई में दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि गूगल की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है तो उसका एक टेस्ट पैटर्न क्या होता है उसके अंदर कौन से टॉपिक्स के ऊपर सवाल आते हैं सेक्शन कौन से कौन से होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय दिया जाता है इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सारे वीडियोज़ एक साथ देख सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो तीन राउंड होते हैं इनके एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन होती है ये टेक्निकल इंटरव्यू और एच इंटरव्यू अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन कैसे हो सकती है तो आपको जो लिखना है वो भी कंप्यूटर के ऊपर ही होता है टाइपिंग आप कह सकते हैं तो टाइप करना होता है आपके आंसर्स को क्योंकि इसके अंदर कुछ सब्जेक्टिव टाइप आंसर भी हो सकते हैं इसकी वजह से उसको लिखा गया है ऑनलाइन एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ब्रॉड चार सेक्शन है सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड टेक्निकल और जनरल इंग्लिश ये टोटल 40 सवाल होने वाले हैं इनमें से लॉजिकल रीजनिंग के 10 सवाल जनरल एप्टीट्यूड के 10 सवाल टेक्निकल के 15 सवाल और जनरल इंग्लिश के 5 सवाल होने वाले हैं ये सब कुछ मिला करके फोर्टी यहाँ पर होता है और इस पूरे के पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पचास मिनट का समय दिया जाता है इसके बाद फिर एक कोडिंग का राउंड आता है कोडिंग के राउंड में आपको तीन सवाल गूगल की तरफ से पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है यानी कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आधा घंटे का समय आपको मिल जाएगा तो ऐसे तीन सवाल आपको सॉल्व करने होंगे अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डिटेल्ड सिलेबस की तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्बल रीजनिंग है लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में ही ये एक सब सेक्शन है इसके अंदर आपको एनालॉजी सीरीज कंप्लीशन वेरीफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट सिचुएशन रियाक्शन टेस्ट डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसके अलावा क्लासिफिकेशन डाटा सफिशियंसी इसके अलावा अल्फा अल्फ़ान्यूमरिक सीक्वेंस पज़ल टेस्ट ऑन अल्फाबेट्स पजल टेस्ट ब्लड रिलेशन कोडिंग डी कोडिंग असर्शन एंड रीजनिंग अर्थमैटिकल रीजनिंग इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स वेन डाइग्राम्स वर्ड सीक्वेंस मिसिंग कैरेक्टर्स सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग डायरेक्शंस और एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सभी के ऊपर जो है वो सवाल आने वाले हैं इसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग तो रीजनिंग uh, वाला जो सेक्शन है उसी का अंदर का ये एक और सबसेक्शन है इसके अंदर आपको डॉट सिचुएशन uh, इसके अलावा आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग्स फॉर्मिंग फिगर्स एंड एनालिस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वेयर्स एंड ट्राइंगल्स सीरीज एनालॉजी एनालिटिकल रीजनिंग पेपर फोल्डिंग कम्प्लीशन इनकम्प्लीट पैटर्न पेपर कटिंग क्यूब एंडर इमेजे फिगर मेट्रिक एम्बेड फिगर्स क्लासिफिकेशन एंड रूल्स डिटेक्शन इन सभी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं फिर आता है दोस्तों इंग्लिश वाला सेक्शन इसके अंदर आपको सब्सटीट्यूशन सेंटेंस अरेन्जमेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रशन फिल इन द ब्लैंक्स पैरा कम्पलीशन Idioms and phrases इसके अलावा joining sentences, error correction तो एक underlined part होगा sentence के अंदर उस part को आपको correct करना होगा correct करके नीचे लिखना है इसके अलावा antonyms spelling test, synonyms, passage completion, error correction तो error correction ये दूसरे वाला है तो जिस phrase को bold में लिखा गया है केवल उस phrase को आपको correct करना है इसके अलावा spotting errors सेंटेंस कंप्लीशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये सारी चीजों के ऊपर सवाल आएंगे इसके बाद आता है एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जिसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स ऑन एल सी एम एच सी एफ सिंपल इंटरेस्ट एरियाज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स पार्टनरशिप रेशो एंड प्रपोर्शन एवरेजेस पाइप्स एंड सिस्टर्म्स सिंपल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस परसेंटेजेस प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के साथ साथ वॉल्यूम्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑड मैन आउट रेसेस एंड गेम्स नंबर्स एंड एजेस सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन इंडाइसिस सर्ड्स मैंसुरेशन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रॉबाबिलिटी इस सभी के ऊपर सवाल आएंगे और आखिरी वाला जो सेक्शन है वो होगा आपका टेक्निकल सेक्शन यानी कि कोडिंग वाला सेक्शन इसके अंदर आपको C++ C Linux DBMS PHP Java, जावा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर नेटवर्क्स डॉट नेट क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा स्ट्रक्चर एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट डाटा बेस्ड और नेटवर्क्स इन सभी के ऊपर जो है वो सवाल आ सकते हैं तो दोस्तों ये जो सारे के सारे सेक्शंस हैं इनको आपको क्लियर करना पड़ेगा यानी कि इस ऑनलाइन टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा इसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाएगा उसके बाद आपका एच का इंटरव्यू होगा अब इन दोनों राउंड्स में क्या क्या होता है क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बकायदा पूरी जो एक प्रोसेस होती है एक पूरी जो जर्नी होती है कि एप्लीकेशन करते हैं फिर टेस्ट होती है फिर टेक्निकल राउंड होते हैं फिर एचआर के राउंड होते हैं और उसके बाद जो है वो आपको सैलरी डिस्कशन वगैरह होकर के सब कुछ होता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना करके रखा है आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर दे दूँगा तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है काम का लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें